हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर के बारे में फुल डिटेल बताऊंगी। तो चलिए अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके पहले इसके अंदर की एसेसरीज आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है वॉइस रिकॉर्डर। इसके अंदर 8GB इनबिल्ट मेमोरी होती है और ये एक होती है इसके अंदर हैंड फ्री, और ये होती है इसकी डेटा केबल। इस डेटा केबल से हम वॉइस रिकॉर्डर को चार्ज करते हैं। और एक ये होता है इसके अंदर यूजर मैनुअल, ये देखिए। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करते हैं मैं आपको वो बताती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ, 8GB इसके अंदर इनबिल्ट मेमोरी होती है और यहाँ पे इसका चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। ये देखिए, ये जो होल दिया गया ये इसका चार्जिंग स्लॉट दिया गया है। इसके अंदर हम डेटा केबल के साथ इसको अटैच करके हम इसको चार्ज करते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक ऑन ऑफ बटन दिया गया, स्लाइडिंग बटन। जैसे ही हम बटन को ऑन पे स्लाइड कर देंगे तो आप देखेंगे ये रेड लाइट 3 times ब्लिंक होके बंद हो जाएगी। देखिए, अभी ये रेड लाइट जैसे ही 3 times ब्लिंक होके बंद हो जाएगी तो इट मीन्स कि अब इसके अंदर रिकॉर्डिंग देखिए स्टार्ट हो गई है। रेड लाइट 3 times ब्लिंक होके बंद हो गई है, देखो अब इसके अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। उसके बाद बहुत ही सिंपल है, जब हमें अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना हो तो हम यहां से स्लाइड करके बटन को ऑफ पे कर देंगे। जैसे ही ऑफ पे करेंगे तो रेड लाइट एक बार आके चली जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारी ऑडियो इसमें बन चुकी है। इसके बाद ये डेटा केबल के साथ हम इसको अटैच करके किसी भी लैपटॉप में कनेक्ट करके हम अपनी ऑडियो चेक कर सकते हैं। और मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, इसको बाय करने के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।